Hey, what's going on, guys? And welcome to the channel. So today I'm gonna take you through behind the scenes of the music video. So let's get this started. तो दोस्तों, इस म्यूज़िक वीडियो का नाम है अब फिर कभी बारिश होगी। और एज ए डी ओ पी ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं आपको इस वीडियो के कुछ सीक्वेंसेस का ब्रेकडाउन बताऊंगा, जिससे कि आपको एक डी ओ पी या फिर सिनेमेटोग्राफर के क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिले, जिससे कि अगर आप में से कोई ऐसे वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड है तो मे भी आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प या फिर रेफरेंस पॉइंट मिल सके। और साथ ही हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कैमरा सिलेक्शन के बारे में। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। ओके, तो चलिए दोस्तों ये पहला वाला सीक्वेंस देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है। लड़का जो है वो म्यूजिक सुन रहा है मस्ती में, और लड़की उसको मैसेज करके बुलाती है मिलने के लिए, यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो लेट्स वॉच दिस विद म्यूजिक। ओके, तो ये इस इंडोर सीक्वेंस का पहला शॉट है और रिलेटिवली वाइड फ्रेम है, क्योंकि हम ऑडियंस या फिर व्यूअर्स को अवेयर करना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है और कौन सी जगह है। इन दिस केस ये लड़का या फिर टैलेंट है उसके रूम में और म्यूजिक सुन रहा है बेड पर बैठकर। तो ये सिचुएशन विजुअली कन्वे करने के लिए ये स्टार्टिंग का रिलेटिवली वाइड शॉट लिया गया है। अब इसके बाद ये शॉट थोड़ा टाइट है, जस्ट टू एम्फसाइज या फिर फोकस दिखाने के लिए कि इस टैलेंट ने हेडफोन्स पहने हैं और उसका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है कि इस पर्सन का पूरा ध्यान जो है वो म्यूजिक में है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शॉट। तो इसके बाद दोस्तों ये तीन शॉट लगते हैं, रियलिस्टिकली देखा जाए तो दो ही है। ये जो टेक्स्ट वाला है वो मैंने शूट नहीं किया और वैसे भी वो एडिटिंग में ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि वाइड फ्रेम लग रही है फिर से, और उसके बाद थोड़ी सी टाइट फ्रेम लग रही है, जस्ट फोकस शिफ्ट दिखाने के लिए कि लड़के का जो ध्यान है या फिर टैलेंट का जो ध्यान है वो म्यूज़िक से शिफ्ट होकर टेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़ गया है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं इस थोड़े से टाइटर शॉट में टैलेंट जो है वो एंड में थोड़ी सी स्माइल कर रहा है, तो हैप्पीनेस भी एक्सप्रेस हो रही है इस शॉट से। इसके बाद हम देखते हैं कैमरा शिफ्ट हो रहा है टैलेंट के लेफ्ट साइड में, जस्ट टू गिव अ स्लाइट वेरिएशन टू द सीक्वेंस। यू नो कभी कभी सेम शॉट्स देखने से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है पूरा सीक्वेंस। और एंड में फिर से वाइड वाला शॉट लग रहा है, जो कि सबसे स्टार्टिंग में था वही शॉट एंड में लग रहा है, बट दिस टाइम हमारा जो टैलेंट है वो उठ कर फ्रेम से बाहर निकल जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है दोस्तों, आप भी ईजिली आपके प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं ये जो शॉट्स के वेरिएशन है वो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि कैमरा की जो सेटिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, जैसे कि आयरिस गेन, एक्सपोजर, शटर स्पीड वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप भी इजीली एम्प्लॉय कर सकते हैं ये टेक्निक्स आपके प्रोजेक्ट में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्वेंस की तरफ। तो ये जो सिक्वेंस है वो पहले वाले से थोड़ा सा एडवांस सिक्वेंस है, तो चलिए देखते हैं इस सिक्वेंस को। ओके, तो छोटा ही सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। तो कभी भी अगर आप सिनेमेटोग्राफी या फिर डीओपी करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो डायरेक्टर है उसने स्टोरी बोर्ड साथ में लाया है कि नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो भी क्विक टर्न अराउंड प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह, तो बहुत से जो डायरेक्टर होते हैं वो थोड़े से न्यूबीज टाइप होते हैं, वो स्टोरी बोर्ड वगैरह नहीं बनाते। तो दैट टाइम एवरीथिंग कम्स डाउन टू डी ओ पी या फिर सिनेमेटोग्राफर। आपको आपके दिमाग में सोचना पड़ता है कि कैसे शॉट्स आप सेट कर सकते हैं,
इन दिस केस डायरेक्टर साहब ने तो कुछ स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया था, इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ शॉट्स थे वो मुझे दिमाग में यू नो विजुअलाइज करने पड़े. सो दैट इज सम इम्पॉर्टेंट टिप आई वुड लाइक टू गिव यू. सो विद दैट बिंग सेड, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस सिक्वेंस को. तो बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्टरी शॉट है ये दोस्तों इस सिक्वेंस का. हमारा जो टैलेंट है वो फ्रेम के अंदर एंटर हो रहा है और वो लेफ्ट साइड को एक कपल को देखता है और उन्हें देखकर उसे अपने पार्टनर की याद आती है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल इंट्रोडक्टरी शॉट. तो फ्रेमिंग की बात करें तो रिलेटिवली वाइड फ्रेम है और बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छी डेप्थ मिल रही है. यू नो नेचुरल माउंटेंस या फिर क्लाउड्स और मिस्ट, यू नो रेनी टाइप का एटमॉस्फेयर है, तो काफ़ी अच्छी डेप्थ मिल रही है बैकग्राउंड में. तो चलिए इसके आगे का शॉट देखते हैं. तो ये जो शॉट है दोस्तों, इसमें दो तीन चीज़ें एक साथ हो रही है जिसकी वजह से ये जो पूरा सीक्वेंस है वो पिछले वाले सीक्वेंस से एडवांस बन रहा है. तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हो रही है इस शॉट में. सबसे पहले तो हमारा कैमरा जो है वो पैन हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. उसके बाद हमारा कैमरा का जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम क्लोजर टू द फार्दर, फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट. फोकस जो है वो थ्रो हो रहा है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ. इसको रैक फोकसिंग भी कहते हैं. तो रैक फोकसिंग इसके वजह से हमें करनी पड़ रही है क्योंकि लेंस का जो आयरिस है वो वाइड ओपन है. आयरिस या फिर जिसे एपर्चर भी कहते हैं वो वाइड ओपन है, इसके वजह से शैलोर डेप्थ मिल रही है. तो इसके वजह से हमें जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है या फिर रैक करना पड़ता है फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट. अब इसके बाद हमारा कैमरा स्ट्रेट जा रहा है कपल की तरफ और वहाँ से कैमरा लगेगा हमारे सब्जेक्ट की तरफ और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाएंगे हमारे मेन सब्जेक्ट को. अब इस शॉट में भी आप एक चीज़ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शैलो और डेप्थ ऑफ फील्ड है, मतलब फोकस बहुत ही शैलो है इस शॉट में भी. और इसका रीज़न ये है कि ये जो पर्सन है इन पर्सन का स्टोरी से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और इसकी वजह से ऑडियंस को भी इन्वॉल्व नहीं करना था इमोशनली इन दो पर्सन के साथ. इसकी वजह से शैलो डेप्थ रखी एकदम और फोकस रखा हमारे सब्जेक्ट के तरफ ताकि व्यूवर्स का जो ध्यान है वो हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ ही रहे और व्यूवर जो है वो इमोशनली सिर्फ हमारे मेन सब्जेक्ट से ही अटैच रहे और उनका ध्यान कहीं और ना भटके. सो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड डूइंग शैलोर डेप्थ ऑफ फील्ड टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट. तो चलिए फिर से एक बार ये सीक्वेंस देख लेते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो फॉर दिस शूट वी हैव टू डिफरेंट बॉडीज. ये एक नाइकॉन है 3500 और ये सोनी अल्फा. सो वी आर गोइंग विथ सोनी अल्फा. इनिशियली वी आर थिंकिंग अबाउट यूजिंग नाइकॉन बिकॉज चार डिफरेंट फोकल लेंसेस अवेलेबल है इस कैमरा के लिए और इसके लिए सिर्फ दो. बट देन वी हैव डिसाइडेड टू यूज सोनी अल्फा जस्ट बिकॉज फोकस पिकिंग इसमें अवेलेबल ही नहीं है. सो देयर फॉर जब सब्जेक्ट पे फोकस एक्वायर करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट पे फोकस एक्वायर हुआ है कि बैकग्राउंड पे फोकस एक्वायर हुआ है क्योंकि आप स्क्रीन देख ही सकते हैं कितनी छोटे. सो देयर फॉर वी हैव डिसाइडेड टू यूज सोनी अल्फा बिकॉज ऑफ यू नो फोकस पिकिंग फीचर एंड मोर ओवर सोनी अल्फा हैव फार मोर डायनेमिक रेंज देन दिस नाइकॉन. आई थिंक नाइकॉन हैव लाइक 10 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज वेयर एल्स दिस वन हैज 12 प्लस स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज. सो या Sounds good to me. तो दोस्तों अगर आप इस ए बी कंपेरिजन शॉट में एक चीज़ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे लेफ्ट साइड की इमेज है वो सोनी से निकली है और उसमें हाईलाइट अच्छी तरह से प्रिजर्व हो चुके हैं. वेरल्स जो हमारी राइट वाली इमेज है नाइकॉन से निकली हुई उसमें जो हाईलाइट है वो टोटली क्लिप्ड हो चुके हैं, मतलब उसमें कुछ डिटेल अवेलेबल ही नहीं है, उड़ चुके हैं हाईलाइट. और अगर आप वेव फॉर्म भी देखेंगे सोनी का तो हाईलाइट अच्छी तरह से मेंटेन है बिलो 100%. वेरल्स अगर आप नाइकॉन का वेवफॉर्म देखेंगे तो इट्स बियॉन्ड 100%, मतलब उसमें कुछ डिटेल ही अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स वाई दोस्तों हायर डायनामिक रेंज इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू अचीव सिनेमेटिक फुटेज. एंड मे बी आप एनडी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं इस सिनारियो में वाइल यूजिंग नाइकॉन, बट मे बी उसके बाद क्या होगा कि जो स्किन टोन है हमारे टैलेंट का वो भी डार्कर हो जाएगा. सो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस ए बी कंपेरिजन इज़ अगर आपके पास हायर डायनेमिक रेंज वाला कैमरा नहीं है तो ऐसे हायर डायनेमिक सिनारियों में शूट ही ना करें. अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लिटरली ऐसे सिनारियों में.
इंस्टेड यू कैन शूट इन द सम अदर सिचुएशन जहाँ पे शेडोज़ और हाईलाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है शेडोज़ और हाईलाइट में, ऐसे जगह पे आप शूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू नो ट्री के नीचे या फिर किसी शेड के नीचे या फिर प्रॉपरली लिट इंडोर प्लेस। तो चलिए वीडियो एंड करने के पहले आपको ये पूरा सीक्वेंस दिखा देता हूँ एक बार। कभी बारिश होगी मुझे आ...